बिरयानी बनाने के लिए हम बिरयानी मसाले को आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, इसको एक बोल में डालेंगे। इसके बाद आफ्टर दैट इस मसाले में हम थोड़ा सा कर्ड डालेंगे। आफ्टर दैट इसको हमें अच्छे से मिला लेंगे। इसे ऐसे करना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। बिरयानी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, कैप्सिकम, गाजर, फ्लावर, प्याज डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक बनाएंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कैप्सिकम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक, वैसे तो इस मसाले में सारा कुछ है बट फिर भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा करेंगे। लिटिल बिट रेड चिली पाउडर, थोड़ा मुझे स्पाइसी पसंद है इसे मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप लोगों को जैसे ठीक लगे वैसा मिर्ची पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड देन मिक्स इट वेल थोड़ी देर के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। तो हम आगे चेक करेंगे हमारी सब्जी रेडी है या नहीं। ओके, हाँ हमारी सब्जी एंड मसाले अच्छी तरह से रेडी है। हमारी सब्जी रेडी है। अब हम जो अब हम चावल पकाए हुए थे उसमें सब्जी को पलट देंगे। अब इसे मिक्स कर लिया है, हमारा चावल मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा कच्चा चावल था हमारा, ताकि एक बार सब्जी मिक्स करने के बाद और अच्छे से पकाना होता है। हमारी बिरयानी पक चुकी है। अब इसे हम डेकोरेट के लिए हरी धनिया डालेंगे। डेकोरेशन भी इससे अच्छा लगता है और प्लस टेस्ट भी अच्छा होता है। ये रहा हमारी बिरयानी रेडी है। अभी हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर।